बिहार में समय से पहले पड़ रहे प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आपदा प्रबंधन विभाग को एडवाइजरी जारी कर ये बताना पड़ा कि दोपहर के वक्त अगर कोई जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। शनिवार को भी बिहार के 5 जिलों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिली। पटना और गया का तापमान 42 डिग्री के आसपास बना रहा, जबकि कई ऐसे जिले हैं जहां पारा 42 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 11:45 तक ही संचालित करने का आदेश दिया है। सभी स्कूलों को सख्ती से इसका पालन करना होगा। बता दें कि आज रविवार है, पटना के कई स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बड़े स्कूल मंगलवार से खोलने वाले हैं। दरअसल आज ईस्टर है और मिशनरी स्कूल ईस्टर के बाद अगले दिन यानी सोमवार को भी बंद है। मंगलवार को जब स्कूल खुलेंगे तो उनका संचालन जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक ही होगा, लेकिन हीट वेव की स्थिति को देखते हुए स्कूल जब खुलेंगे तो उस पर जिला प्रशासन की भी नज़र होगी। जिला प्रशासन के सूत्रों की माने तो मंगलवार को हालात कैसे रहते हैं इसे देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। संभव है कि गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन स्कूलों को बंद करने का फैसला ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त लगभग 1 महीने पहले ही भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी की छुट्टियाँ पहले 15 मई तक हुआ करती थी, लेकिन इस बार यह समय से पहले घोषित हो सकती हैं। पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है, ताकि अगलगी, लू और गर्म हवाओं की चपेट आने से लोग प्रभावित ना हो। डीएम ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने स्तर से इस मौसम में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए SOP पर काम शुरू कर दें। वहीं बता दें कि शनिवार को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठकर इस घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि गर्मी से मानव के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी प्रभाव हो सकता है, इसलिए विभाग के अधिकारी अपने स्तर से काम करें। DM ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकारी ट्यूबवेल के पास गड्ढा खुदवा कर पानी जमा किया जाए, ताकि पशु पक्षियों को भी पानी मिल सके। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।